कागज़ के कप से आप एक बहुत खूबसूरत फिरकी बना सकते हैं। इसके लिए एक बेकार कागज़ का कप, एक लंबी डंडी, एक स्ट्रॉ, गोंद और एक कटर दरकार होगा। सबसे पहले कागज़ का कप लें और बिल्कुल आधा काट लें। इस तरह से कप बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। फिर आधे टुकड़े को भी बराबर दो हिस्सों में काट लें। इस तरह आपको 2/4 कप के टुकड़े हासिल होंगे और इस फिरकी में इन दोनों चौथाई टुकड़ों की ज़रूरत होगी। दोनों टुकड़ों को मिलाएं और इनमें एक तरफ सुई से एक सुराख करें। इसके बाद एक सख्त स्ट्रॉ लें और इसमें भी सुई की मदद से एक सुराख कर दें। इस सुराख में एक लकड़ी की डंडी दाखिल करें और लकड़ी की डंडी को दोनों सिरों में इन चौथाई कप के को दाखिल कर दें। अब इन कप को डंडी से जोड़ने के लिए इनमें गोंद लगाएं, जिससे पुख्ता तौर पर ये डंडी के साथ जुड़ जाएं। फिर इस स्ट्रॉ को एक गोल डंडी में दाखिल करें। अब आपकी फिरकी तैयार है। अगर इसे चलते पंखे के नीचे रखेंगे तो वो गोल गोल करके घूमेगी। ये फिरकी बहुत ही मज़ेदार है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आओ, आप चाहें तो इस फिरकी को रंगों से, रंगीन टेप से रंगीन बना सकते हैं। फिर पंखे के नीचे रखें तो ये फर फर करके घूमेगी।